नमस्कार दोस्तों, रियांगन टेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या आपका मोबाइल अगर गुम हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, इसका सलूशन बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक रियांगन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप रियांगन टेक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो दोस्त, हमें सबसे पहले सिम कार्ड को बंद कराना होता है, अपने मोबाइल नंबर को बंद कराना होता है। अपने को क्या करना होता है कि कस्टमर केयर पर कॉल करना होता है अपने को सिम कार्ड को बंद कराने के लिए। दोस्त, अपने का मतलब जिस नाम से सिम कार्ड हो उस नाम को बताना होता है, मतलब आईडी प्रूफ में जो भी डिटेल्स होता है अपने को डिटेल्स बताना होता है, जैसे कि जिसके नाम से है उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ। उस कंडीशन में आपका सिम कार्ड वहाँ से मतलब कस्टमर केयर वाले बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्त, आपको ये चीज़ें बताने होते हैं कि आपका मतलब मोबाइल चोरी हो चुका है, आपको सिम कार्ड को बंद करवाना है। इससे क्या होगा दोस्त कि आपके सिम कार्ड से, आपके मोबाइल नंबर से कोई मिसयूज नहीं करेगा, कोई मतलब गलत काम नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद दोस्त जो दूसरा काम होता है अपने को क्या करना होता है, किसी भी आप एंड्रॉयड मोबाइल में जाइए या कंप्यूटर या लैपटॉप पे, आपको क्या करना होता है कि फाइंड माई डिवाइस आपको सर्च करना होता है गूगल पे। चलिए हम यहाँ पे गूगल पे टाइप करते हैं फाइंड माई डिवाइस। तो दोस्त आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्च किया है फाइंड माई डिवाइस। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे एक लिंक आता है फाइंड योर फोन, इस पर हमें क्लिक करना होता है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद दोस्तों अपने को क्या करना होता है कि उस मोबाइल में जो ईमेल आईडी आप लॉगिन किए होंगे ना, उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे साइन अप करना होता है। आप यहाँ पे साइन अप करके आप अपने फ़ोन के मतलब सारे डेटा को क्लियर कर सकते हैं, यानी अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर उसमें नेट चालू हो तो, अगर नेट चालू होगा तो दोस्त आप उसका फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और अपने मोबाइल को आप ट्रेस भी कर सकते हैं कि आपका मतलब मोबाइल कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं फाइंड माई डिवाइस से। ठीक है दोस्त, मैंने दोस्त इसका एक वीडियो बना रखा है कि अपने मोबाइल को कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे मतलब उसको मतलब एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करते हैं। इसके बाद दोस्त जो तीसरा काम होता है, और मान लीजिए अगर आपका सिम कार्ड बंद नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है और आपके मतलब FIR करना होता है। FIR में आपको ये लिखाना होता है कि आपका मतलब जो मोबाइल ना है, मोबाइल चोरी हो चुका है, आपका फ़ोन नंबर, जो मोबाइल सिम कार्ड है वो भी साथ में उसके मतलब मोबाइल के साथ में है। तो यानी वहाँ पे आप जब FIR कर देंगे ना अपने मोबाइल नंबर पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके मतलब सिम कार्ड से अगर कोई मिसयूज भी करता है तो आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं होगा, कोई क्लेम नहीं होगा, क्योंकि आप पहले FIR कर चुके हैं। तो दोस्त, अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो इन बातों को ध्यान में रखिए और आप मुसीबत से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मैं इस वीडियो के पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।